गया से एक बड़ी खबर सामने आई है कि गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल अस्पताल से एक महिला ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें उस रूपाली नाम की महिला ने अस्पताल प्रशासन के लचर व्यवस्था की पोल खोलकर रख दिया है। कोरोना मरीज के वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि अस्पताल में कोई देखभाल नहीं किया जा रहा है, गंदगियों का अंबार लगा हुआ है और भी कई समस्याओं से यहाँ के मरीज जूझ रहे हैं। आप खुद सुनिए पीड़िता के जुबान से कि ये क्या कहना चाह रही है और क्या गुहार लगाना चाह रही है। मैं अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया से बोल रही हूँ, ठीक है। मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, 6 जुलाई से मैं यहाँ पे एडमिट थी, आज तक हूँ, ठीक है। और भी मेरी किसी भी तरह से किसी को भी कोई भी देखभाल अच्छे से नहीं हो रहा है। जब हम लोग कोरोना पेशेंट है तो जब देखभाल नहीं होगा तो हम लोग ठीक कैसे होंगे, आप खुद बताओ। हाँ, मुझे आज इंजेक्शन मिला, मैं दोपहर से ही बोल रही थी कि मेरा बहुत सर में पेन हो रहा है, आप प्लीज़ हमें दवाई मेडिसिन दे दो, कि मैंने किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और उन्होंने जाकर शाम को 5 बजे मुझे मेडिसिन दिया है। क्या तो तब तक मरीज़ लोग ऐसे ही छटपटाते रहेगा, आप लोग खुद बोलो। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैंने अपने घर से मेडिसिन मंगवाया है, उसके बाद हमने खाया। अदरवाइज मैं आप सब से ही विनती करती हूँ कि आप हेल्प करो, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। जब इस तरह का लापरवाही होगा तो और सबका क्या होगा, आप खुद बोलो। बस ध्यान, आप हम लोग को हो सके तो हेल्प करो यहाँ पे सबके लिए। कॉलेज से बोल रही हूँ, रूम नंबर 6 से, रूपाली नाम है मेरा, ठीक है। मैं 6 जुलाई को मैं यहाँ पे एडमिट हुई थी, मेरा रिज़ल्ट कोरोना पॉजिटिव उन्होंने बताया है। मैं आज मॉर्निंग में मुझे इंजेक्शन पड़ा, मैंने बोला मैम मुझे बहुत ही ज़्यादा सर में पेन हो रहा है, बट किन्हीं ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और मैं जाकर भी जब मैं बोली तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे। आप प्लीज़ हमें हेल्प करो, बहुत सारे गरीब लोग को कोरोना पॉजिटिव है, अगर ऐसा रहा तो फिर सब लोग का क्या होगा, हो सके तो हमें हेल्प कीजिए और इस चीज़ को रिकवरी करवाइए, ठीक है। और के यहाँ पे और भी बहुत सारे मरीज हैं, सब लोग का यही चीज़ है। एक बार अभी उन्होंने एक टेस्ट लेकर गया है, फिर पहले टेस्ट में बोले कि वो हम लोग का हाँ है ना है, सेकेंड बोला उन्होंने कि ठीक है, कुछ भी क्लियरली रिस्पांस नहीं है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग हमारी बातों को समझो और इस चीज़ पे आगे हेल्प करो। और 10 बजे ना